हेलो, हाय डॉक्टर्स। हम आज अपने सभी पैथी के डॉक्टरों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबा रामदेव का किसी भी तरीके से सपोर्ट न किया जाए। हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना है, क्योंकि ये एक गलत और आपराधिक काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर वो जिसको आज के लोग सरकार से लेकर जनता प्रशासन सब कोरोना योद्धा बोल रही है, ठीक है, लेकिन उसी के खिलाफ एक बाबा जो किसी भी विधा का कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो आयुर्वेद है, होम्योपैथी, यूनानी है, एलोपैथ है, वो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इतने अभद्र तरीके से डॉक्टरों के साथ बिहेव कर रहा है, जो कि हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, जो कि बैकबोन है वर्तमान की चिकित्सा व्यवस्था का। बिना उसके हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। आज किसी के हाथों में सुराख हो जाए, किसी की इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या कोई विधा काम कर सकती है? और फिलहाल लड़ाई विधा की नहीं है, क्योंकि वो किसी विधा का डॉक्टर है ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है और एक अपना धंधा जो उसका फूलता फलता बढ़ता है उसके लिए वो काम करता है, ठीक है। और उसने आज बिना किसी साइंटिफिक या मॉडर्न एविडेंस के बेस पे कोरोनिल नाम की दवा जो बनाई उसने, उसके भी 250 करोड़ के बिजनेस कर लिए। क्या उस पर क्लेम नहीं बनता है? क्या वो जनता को जो दवा दी गई उसके साइड इफेक्ट्स पता है? कहीं उससे ब्लैक फंगस तो नहीं आ रहा है? कहीं उसके साइड इफेक्ट तो जनता को नहीं हो रहे? किसी भी जो हमारी DGCI होती है, CDRI होती है, ICMR होते हैं, बिना किसी प्रूफ के दवा मार्केट में उतारी गई है और जनता को दी जा रही है, क्या इसके खिलाफ इन लोगों को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या जो हमारी मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री है उनके बारे में जो ये गलत गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जिनको आज भी मॉडर्न मेडिसिन लिखने की छूट दी गई, होम्योपैथी को भी लिखने की छूट दी गई, आयुर्वेद वाले डॉक्टरों को भी लिखने की छूट दी गई, हम सब कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बिना लाइफ को चलना आसान नहीं है। जितनी भी वैक्सीन बनाई गई हैं जिससे आज लाखों करोड़ों बच्चे सुरक्षित होते हैं हर साल, क्या मॉडर्न मेडिसिन नहीं है जो टीके लगवाए जाते हैं? जो एक बार और मैं कहना चाहूँगा, जो धर्मांध हो चुके हैं, जिनको लगता है कि वो हिंदुत्व है, वो हिंदू ही नहीं है। हिंदुत्व ये होता नहीं है, धर्मांध ये होता नहीं है, पूजा ये नहीं होती, योगा ये नहीं होता है, बेसिकली वो इन सब का इस्तेमाल करके अपना दलाली और अपना धंधा कर रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। बिना किसी प्रूफ के इस तरीके से डॉक्टरों का मजाक उड़ाना, हज़ारों डॉक्टर मर गए, हज़ारों डॉक्टर मर गए, कितने पैरामेडिक्स मरे, कितने स्टाफ मर गए, ठीक है, लेकिन इस बाबा को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। और ये हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर रहा है, पूरे विश्व की चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है, ठीक है। और इसमें कोई एक तंत्र की लड़ाई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी की लड़ाई है ही नहीं, इसको आप लोग भूल जाएं। और इस जो बीमारी है बाबा नाम की, इसके खिलाफ सब लोग एकजुट हो करके शिकायत करें, FIR करें, और क्योंकि अगर ये चीज़ें ऐसी होती रहीं तो लोगों का इस मेडिसिन से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो भारत सरकार करा रही है करोड़ रुपये लगा करके, वो भी पानी में डूब जाएगा, ठीक है। और जो इतने इलाज हो रहे हैं आज के ज़माने में, जनता का, इंडस्ट्री का, शासन का, प्रशासन का, सबका पैसा लग रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि कोई किसी यूज का नहीं है, जबकि वो खुद जब बीमार होता है तो एम्स भर्ती होता है, उसके जब सहयोगी बाल कृष्ण चारा भर्ती हो तो एम्स ऋषिकेश में भर्ती हो जाता है, उसका डेयरी के अध्यक्ष बंसल खुद एक्सपायर हो गए, क्या उसने उसने योगा नहीं कराई? क्या उसको उसने कोरोनिल क्यों नहीं खिलाई? अगर फायदेमंद है तो क्यों फ़ायदा नहीं हुआ? जनता को तो इस बात से मतलब नहीं है और प्रशासन सरकार को भी इस बात से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम डॉक्टरों को इसके खिलाफ लड़ना है, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है और जो नए युग का जो भविष्य है और जो विस्तार है और जो हमारी स्वास्थ्य सिस्टम है पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी। इसके लिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब मिल करके भी आपस में लड़ाई ना करें, कोई एक विधा की लड़ाई नहीं है, ये एक बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ाई है जो पहले फटी जींस की बुराई करता है, फिर फटा जींस बेचने लगता है, जो कहता है जींस में पहले कैसे रहोगे, फिर उसी जींस को बेचने लगता है, अब वो कह रहा है मैं MBBS की अस्पताल भी बनाऊंगा और डॉक्टरी भी करूँगा, क्योंकि उसको लगता है ना कि यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर लाखों लड़के जाते हैं, लाखों रुपए देकर आते हैं, तो उसको भी इसमें धंधा दिख रहा है, जो घी, तेल, सरसों, चाय पानी बेचता हो,
क्या वो किसी डॉक्टर की कभी भी बड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर करता होगा सिर्फ फायदे के लिए करता होगा जहाँ मौका मिलता हो। तो ऐसे दलालों और ठगों से बचें और देश को बचाएं, देश की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करें। हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे, जनता भी, प्रशासन भी और सारे डॉक्टर्स मिल करके इस बाबा के खिलाफ आपस में एकजुट करके इसको, इसके मंसूबे को निस्तारण करें। सरकार से भी आग्रह करते हैं कि प्लीज़ कोरोना योद्धा करके फूल बरसाना अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ खड़े होना गलत बात है। खिलाफ एक्शन लेना होगा, भारत सरकार को गिरफ्तारी करनी होगी, वही इसका रास्ता है और हमें न्याय चाहिए सबके साथ। धन्यवाद।